हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कल हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आज जो देखने वाले होंगे वो आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है यानी कि सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है। उस पॉइंट से हम लोग एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करेंगे और सिलेंडर का फॉर्मेशन करेंगे और सिलेंडर, आपको पता होगा सिलेंडर में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिलेंडर में सबसे पहले आपको क्या चीज़ मिलेगी, एक तो आपको इसका रेडियस मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये सिलेंडर जो होगा इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, ठीक है। और सिलेंडर आपको पता है कि ये सिलेंडर जो देखिए यहाँ पे ये एक तरह से पूरा सर्कुलर बनाया हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ गया है, यानी कि एक सॉलिड शेप का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि सॉलिड शेप में आपके पास ये जो रोटेशन है यहाँ पे, यानी कि ये रोटेशन कहीं भी हो सकता है, मतलब कि अगर कहीं से हम भी इस पर एंगल लें तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा होगा, यानी कि इसमें एक एंगल भी हो सकता है, ठीक है। एक एंगल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक एंगल भी हो सकता है। तो इसमें तीन चीज़ें होगी, एक तो रेडियस होगा, इसका हाइट होगा और तो एक एंगल होगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि ये बारी बारी से कि ये तीनों चीज़ कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो मैं यहाँ पर ले रखा हूँ वो चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉइंट को कंसिडर किया, ठीक है। इस पॉइंट को कंसिडर करने के बाद से हम लोगों के क्या करना है, इस पॉइंट जो कंसिडर किया हम लोगों ने, इस पॉइंट से हम लोग जो जेड एक्सिस है मेरे पास, वो जेड एक्सिस से हम लोगों ने इस पॉइंट का दूरी मेजर कर लिया, ठीक है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं रो, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट मैंने जो लिया, वो सेकंड पॉइंट मैंने ये लिया कि ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, उस पॉइंट का हम लोगों ने एक मेजरमेंट किया एंगल, और वो एंगल जो मेजर करेंगे वो एक्स एक्सिस के दूरी से मेजर करेंगे। तो कहोगे सर पॉइंट तो यहाँ पे है, पॉइंट तो यहाँ पे है, तो फिर आप एंगल यहाँ से कैसे मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के लिए हम लोग इस लाइन को यहाँ से प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया और जो एक्स एक्सिस से जो इस लाइन का बनेगा आपका एंगल, उस एंगल को हम लोग फाई नाम दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके आगे आपको देखना है जेड क्या होता है। तो जेड जो भी है ये डिस्टेंस दिखा रहा है, कहाँ से तक डिस्टेंस दिखा रहा है, ये जो एंगल दिखा रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग को डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपको डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वो क्या है, यहाँ पे जो रो आपको दिखा रहा है डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द जेड एक्सिस से दिखा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। और जो फाई दिखा रहा है एंगल मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो एंगल मेजर करेंगे वो दिखा रहा है, ठीक है। और जो जिसको हम लोग एजीमुथल एंगल भी बोलते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे और जो एंगल बनेगा किस में, एक्स वाई प्लेन में ही हम लोग मेजर करना होता है, कौन सा एजीमुथल एंगल, ठीक है। और जेड जो होगा आपका डिस्टेंस को दिखा रहा है फ्रॉम ओरिजिन टू आपको, यानी कि ओरिजिन से लेकर के जो हाइट होगा सिलेंडर का उसको दिखा रहा है हमारे पास जेड, ठीक है। तो ये तो बात ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रो और फाई और जेड को कैसे निकालेंगे। यदि हम लोग रो और फाई जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, तो यही तो मेरा फुल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी कि हम लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरे पास कोई भी एक पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट ले रखा है, वो पॉइंट आपका रो फाई और जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेंज देख लेते हैं, इसका रेंज क्या होता है क्या। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ। देखिए, रेंज में आपको सबसे पहले जानना ये होगा कि जो एंगल होगा, जो आपके पास ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये तो एक्स एक्सिस जा रहा था और वाई एक्सिस के प्लेन में ही जाएगा, यानी कि एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में ही रहेगा। तो इसका रेंज क्या हो सकता है, ये जीरो से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जीरो से कहीं ना कहीं जा सकता है और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको यानी कि पूरा रो ओवरलोड करेगा इस वाले के, यानी कि सिलेंडर जो बनता है आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं फिर से, जो सिलेंडर आपका बनता है तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से चालू होती है तो पूरा रोटेट कर करके 3D शेप में बात करें तो पूरा एक सॉलिड शेप बना हुआ होगा आपका सिलेंडर। तो ये यहाँ से गए तो यहाँ से पूरा तो रोटेट करके यहाँ तक आ सकता है, यानी कि एंगल कितना बन रहा है आपके पास, 2π बन रहा है। तो इसका जो फाई का रेंज होगा यहाँ पे वो 0 to 2π तक हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग यदि रो का देखें, रो यानी कि रेडियस है, यहाँ से जो दिखा रहा है रेडियस, तो
तो इस रेडियो को हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को क्या हो सकता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस तो ये आगे कहीं भी जा करके सिलेंडर का सेव करके, मतलब कि रेडियस से यहाँ से यहाँ तक जो होगा पॉइंट जो ये रेडियस दिखा रहा होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, तो ये जो रेडियस दिखा रहा होगा यहाँ से जो रेडियस दूर दिखा, ये तो आगे सिलेंडर यहाँ तक था तब ना ये दिखा रहा था, सिलेंडर तो यहाँ से ही फॉर्म हो सकता है ना कुछ इस शेप में, तो ये तो ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेंज हो गया 0 to ∞, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोगों को रेंज देखना है वो रेंज है हम लोग पास किसका, जेड एक्सिस का। तो जेड एक्सिस का तो डायरेक्शन ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके अलॉन्ग तो ये इसका जो होगा इसका जो रेंज होगा वो तो ये आगे कहीं भी जा सकता है नीचे कहीं भी जा सकता है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से इसका वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटिव के बीच हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि इस वाले शेप को हम लोग पूरा तरीके से एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रो कैसे निकालेंगे, फाई कैसे निकालेंगे और जेड कैसे निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए मैंने एक यहाँ पे एक फार्मूला भी बना रहा, फार्मूला नहीं, इसको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर इसी चीज़ को, यानी कि इसी चीज़ को, यानी कि इस सिलेंडर शेप को समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, उस एग्जाम्पल को आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, जैसे कि 1.1 ले लिया, ठीक है, 1.1.1 ले लिया, ठीक है। ये कोई इस क्वाड्रेंट में होगा, चूँकि इसमें वैल्यू आपका पॉजिटिव 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 ही होगा, तब पता चला होगा कि ये इस कोऑर्डिनेट में होगा इसका वैल्यू, तो इस कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू होगा। तो देखिए 1 तो हम लोगों ने यहाँ से मेजर किया, तो 1 हम लोगों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे 1 चलना होगा, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ से चल लिया दूरी, यानी कि इसके प्रोजेक्शन बना लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस आपको कितना चलना होगा, 1 चलना होगा, तो 1 हम लोगों ने यहाँ पे वाई से यहाँ से चल लिया, ठीक है। जेड पे भी हमको 1 चलना है, यानी यहाँ से 1 चल लिया, लेकिन अब ये 1 चलना था ना एक्स पे, तो एक्स पे तो यहाँ हम लोग 1 बढ़े और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, जहाँ पे कट रहा होगा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी तक तो ये जो था बेसिक बात था, इसको आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब रेंज बताई दी हम लोग, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग पास क्या है, ठीक है। और अभी जो हम लोग को देखना है आगे वाला टॉपिक में, हम लोग को रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन कार्टिजन और सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो कार्टिजन आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। कार्टिजन आपका ये हो गया, ठीक है। कार्टिजन 3D में भी हो सकता है, 2D में हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे 3D में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो शेप है आपका सिलेंडर का शेप है, ये एक सॉलिड है, और सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3D की जरूरत पड़ती है। तो 3D के मैंने यहाँ पे एक ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया आपके पास वाई एक्सिस, और ये ले लिया जेड एक्सिस, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ भी बना रखा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसका रिलेशन निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्सिस लिया आपने, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक ने हमने पॉइंट लिया जिसका नाम हमने रख लिया क्या, रो फाई और जेड, रो और फाई आपको जेड को, यानी कि रो हमको तो यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, ये वाला दूरी हमको जो रेडियस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो तो हमको रो मिल ही जाएगा। अब रही बात फाई की, तो फाई हम लोग तो यहाँ पर ले नहीं सकते हैं, चूँकि हम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस से हम लोग को फाई लेना है, यानी कि इस लाइन को हमको नीचे में कहीं ना कहीं इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट करने के लिए जो आपका जो डिस्टेंस है, जो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, जैसे कि 1.1.1 का हमने जो एग्जांपल लिया था उसी बेसिस पे हम लोग देखें, तो जो ये जो वाई एक्सिस होगा उसको तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे, और वहाँ पॉइंट रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो कटेगा वो उसके अनुसार आ जाएंगे, और जो एक्स एक्सिस यहाँ पर दिखा रहा, तो इस एक्सिस पर हम लोग 1 लेंगे, फिर इसको इधर खींच लेंगे, और फिर इस जो पॉइंट से हम लोग वाई काटा था उसको पास कराते यहाँ पर खींच लेंगे, और ये जो दोनों पॉइंट मिलेगा वहीं इस लाइन का वहीं इस पॉइंट का इसमें प्रोजेक्शन हो जाएगा, यानी कि किस में, ये तो था अभी जेड और वाई कार्टिजन में था, लेकिन ये प्रोजेक्शन होकर के अब कहाँ चलाया है, एक्स और वाई में, ठीक है। तो ये तो एक्स और वाई में आ गया, तो अब एक्स और वाई में ही हम लोग को क्या लेना होता है, एक्स और वाई में हम लोग को लेना होगा आपका एजीमुथल एंगल, और एजीमुथल एंगल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में जो भी एंगल बनता है वही होता है एजीमुथल एंगल, जिसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि इसको प्रोजेक्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे ला लिया, और इधर जो एक वाई एक्सिस में जी एक्स एक्सिस जो हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे उसको प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ला दिया, ठीक है। और यहाँ पे लाने के बाद से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लाइन किया जो कि सी पे जा रहा होगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला जो कि सी डैश पे जा रहा होगा, ठीक है।
और इस इतना करने के बाद से हम लोगों को ये जो है हम लोगों को इस चीज़ को यानी इस वाले पूरे चीज़ को हम लोगों को 2D के फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शा रखा। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस बात को समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या अभी तक हो रहा है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, देखिए ये जो जेड एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिखा रहा होगा जेड, और एक्स जो यहाँ पे जो ये तो जेड दिखा रहा, और ये जो रो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक का दूर दिखा रहा, और फाई जो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना होगा यानी ये लाइन है तो इसके बीच का जो एंगल बना होगा फाई उसको दिखा रहा है, और जेड जो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक का दूर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप रो फाई और जेड तीनों को समझ गए। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, अब इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, मैंने जो 2D में बताया था तो 2D में आप जब ऊपर से देखिएगा इसको यानी इस वाले सिलेंडर के शेप में जो ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू जब देखिएगा तो यहाँ पे कुछ ही इस तरह से सर्कुलर बना हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पे सर्कुलर हमने बना रखा है। ठीक है, और इस सर्कुलर में जो कुछ भी आप चेंजिंग करें उसको यानी कि इसमें दिखाएंगे, यानी कि ये जब जब सर्कुलर में दिखाएंगे किसी चीज़ को तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर था, ये आपका रेडियस था जिसको हम लोगों ने रो माना हुआ था। ठीक है, तो कुछ इस तरीका से, तो कुछ जो भी इस तरीका से आपके पास बनेगा वो आपके पास कुछ जो कुछ भी होगा वो इसमें हम लोगों ने दिखा रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करके हम लोग आप आज अच्छे से आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस दिखा रहा था, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा था वहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने यहाँ पर लिया है, जो कि ये यहाँ पर रो था तो मैंने भी यहाँ पर रो ले रखा है। ठीक है, तो ये हो गया रो वाला बात। अब इसके बाद से हम लोग क्या बात करेंगे, जो यहाँ पे एंगल जो बना था किसके बीच, एक्स और ये जो लाइनिंग प्रोजेक्ट होकर के आया था इस पॉइंट पर, इसके बीच का जो एंगल बना था वो फाई था, तो फाई को भी हम लोगों ने एक्स और वाई के बीच बना था। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ही बना था, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हम लोगों ने यहाँ पर फाई एंगल ले रखा है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद से जो मेरे पास जो रो था यहाँ पर वो तो रो यहाँ पर ले लिया, अब हम लोग के पास क्या बचा, बस यही दो चीज़ तो था, तो इस दोनों चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया 2D में। ठीक है, अब इस 2D में आप लोगों को एक चीज़ और दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि हम लोगों के काम की चीज़ है, यहाँ पे जो ये वाला शेप बन रहा होगा, ये वाला जो शेप बन रहा होगा आपके पास, ये वाला शेप यानी ये वाला शेप कहीं ना कहीं आपके पास क्या बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रिंगल से यहाँ पता 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल ट्रिंगल आपको पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है, और इसका यानी कि रो और फाई और यहाँ से रो फाई और जेड का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और ये कुछ इस शेप में, ठीक है, और कुछ इस शेप में कन्वर्ट करने के बाद से हम लोग इजीली रिलेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बन रहा था आपके पास राइट एंगल ट्रिंगल, तो राइट एंगल ट्रिंगल में ये वाला दूरी आपको पता है कि चूँकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग ले रहे थे यहाँ पे, तो एक्स और कोऑर्डिनेट में ले रहे थे, ये जो दूर दिखा रहा होगा आपको वाई दिखा रहा होगा, और ये जो दूर दिखा रहा होगा आपके पास एक्स दिखा रहा होगा, और इसके बीच का जो एंगल बना था वो तो हम लोग पास था फाई। ठीक है, तो फाई एंगल था, वाई था यहाँ पे, एक्स था, तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे हम लोगों ने एक्स को दिखा दिया, यहाँ पे जो एंगल बना वहाँ पे फाई दिखा दिया हम लोग, और इसके जो बीच का दूरी ये वाई था इसको हम लोगों ने वाई ले लिया। ठीक है, और ये जो दूरी था आपके बीच में ये तो आपको पता होगा क्या था, ये तो रो था, यानी ये वाला दूरी आपके पास रो था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बना है यहाँ पे, और इसके बाद से हम लोगों को सिंपली क्या करना होता है, यहाँ से हम लोग इजीली रिलेशन को निकाल पाएंगे। तो देखिए हम लोग रिलेशन कैसे निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन आपको निकालने के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको रिलेशन निकालने के लिए आप कॉस्टर तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो आपके पास एंगल बना था ये फाई, तो यहाँ से एंगल यहाँ पे बना था हम लोग, और ये हम लोग पास वाई था और हम लोग पास ये एक्स था, तो यहाँ से सिंपली हम लोग जब कॉस्टर निकालेंगे यानी कि कॉस यहाँ पे जो एंगल फाई दिया तो कॉस फाई निकालेंगे, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, बी बट्टे का एच होता है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स ही तो दिखा रहा है ना, तो बी और एच का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रो जो यहाँ पे था तो रो, यानी कि कॉस फाई इक्वल टू हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स अपॉन रो, और यहाँ से एक्स निकालिए और इसको इक्वेशन वन मान लिया। उसी तरह से सिमिलरली हम लोगों को क्या निकाल लेना है यहाँ पे, वाई निकाल लेना है, तो वाई भी निकालेंगे तो हम लोग पास रो साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, वो रो साइन फाई क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो भी जब हम लोगों को वाई निकालना होगा तो वाई निकालना होगा तो मतलब कि ये जो ये वाला है और इसमें और हम लोग पता होगा हाइपोटेनियस, तो वाई यानी कि जो ये वाई पता है और ये जो हाइपोटेनियस पता है, इन दोनों के बीच का हमको रिलेशन निकालना पड़ता है, तो उस रिलेशनशिप पे हम लोग को साइन थीटा लेना पड़ेगा, यानी साइन थीटा निकालेंगे तो वाई के निकालेंगे तो हम लोग पास क्या आ जाएगा, वाई इजकल टू रो साइन फाई। ठीक है, और जेड इजकल टू आपके पास जेड ही रहता है, चूँकि जेड तो एक्सिस जेड एक्सिस के अलावा आपको डिस्टेंस को शो करता है, हाइट को शो करता है, तो जेड में अभी कुछ तो हो नहीं रहा। ठीक है, अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, जो इक्वेशन मेरे पास वन था और इक्वेशन आपके पास टू था, यहाँ पे इक्वेशन वन था और आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन टू था
इस दोनों को आपको सिंपली कर लेना है जोड़। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इन दोनों इक्वेशन को कर लिया है जोड़। तो सिंपली आपको जोड़ करने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको दोनों में रो था तो रो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको पता होगा कि वन होता है। तो इन दोनों का जब वैल्यू का कैलकुलेशन कीजिएगा तो रो इक्वल टू आपस निकल के आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ आपको अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको हमेशा अब यही याद रखना है, आपको पास क्या याद रखना है, रो को केवल याद रखना है, ठीक है। इसके अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए सिंपली आप लोगों को करना क्या है, जो इक्वेशन वन था आपके पास इक्वेशन टू और वन को आपको डिवाइड करना है। तो इक्वेशन वन और टू क्या था, देखिए इक्वेशन टू था आपके पास क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास टू है वाई इजकल टू साइन वाई इजकल टू रो साइन फाई है और इक्वेशन वन इजकल टू आपके पास क्या है एक्स इजकल टू रो कॉस फाई है। तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपको टेन थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे टेन फाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब टेन फाई का वैल्यू निकलता है हम लोग यहाँ से टेन को उधर भेज देंगे तो हम लोग के यहाँ पे इन्वर्स टेन इन्वर्स कॉस बटे साइन का वैल्यू आपके पास टेन होता है। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग इजीली हम लोग निकाल पाएंगे कि इसका फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सिंपली निकालने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा अभी आपसे कि इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से आपको डिवाइड कर देना होता है। तो देखिए इक्वेशन टू को वन से हम लोग डिवाइड कर दिए, यानी कि रो से रो कट गए यहाँ पे और साइन थीटा बटे कॉस आपको हो गया वाई अपन का एक्स, और ये जो आपका साइन बटे कॉस का रेशियो जो होता है वो आता है टेन, तो टेन फाई हो गया और वाई अपन एक्स यानी फाई निकालना है। तो फाई इजकल टू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सिंपली हम लोग जो यहाँ पे लिख सकते हैं वो हम लोग लिख दिए यहाँ पे फाई इजकल टू हो गया टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। तो यानी कि अब ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको पता है कि जेड तो जेड में ही था, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको रिलेशनशिप आप निकाल पाए हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बना रखा यही आपके काम का चीज़ है, ठीक है। प्रूफ तो एग्जाम में पूछता नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया था, बट आपको ये तीन ही चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। जब भी हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट में जो उसमें कोऑर्डिनेट का हम लोग को डिनोट करने का पैरामीटर होगा वो होगा आपके पास रो होगा फाई होगा और जेड होगा, ठीक है। तो रो फाई जेड होगा और तो उसमें हम लोग को रो को निकालना आना चाहिए, फिर फाई को निकालने आना चाहिए, फिर जेड को निकालना चाहिए। तो देखिए कोई भी अगर कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिलेंडर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको रो इजकल टू क्या निकालना होगा, रूट अंडर आपको लगा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और जैसे फाइन निकालना है तो वाई अपन टेन इनवर्स वाई अपन एक्स कर देना और जेड तो जेड ही में रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया रिलेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, उस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम लोग इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसको अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई और जेड को भी एक पॉइंट को डिनोट कर रहा होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया थ्री फोर और फाइव ले लिया, ठीक है। इसको क्वेश्चन जो कर रहा है कि कर रहा है रो फाई और जेड जेड में बदल, यानी कि रो फाई और जेड में बदलना है। रो फाई जो जेड दिखाता है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कहीं ना कहीं हमको दिखाता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कि जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है उसको यानी कि रो फाई और जेड में हमको बदलना है, यानी कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे हम लोग देखते हैं इसका, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार कर लेते हैं फार्मूला का रिवीजन। तो फार्मूला का रिवीजन करने में देख ले, जो भी एक्स और वाई और जेड में जो भी हम लोग पास कार्टिजन होगा उसको पोलर को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलना होगा। तो हम लोग को रो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फाई निकालना पड़ेगा और जेड निकालना पड़ेगा। तो रो निकालने के लिए अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़ा था प्रूफ के साथ भी हम लोग पढ़ा था, तो उसका फार्मूला निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और फाइन निकालने का टेन इनवर्स वाई अपन एक्स था और जेड तो आपका हमेशा जेड के फ्रेम में रहता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग पास जो क्वेश्चंस था, जो कि आप लोग हम लोग पास ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे थ्री फोर और फाइव दिया हुआ था एक्स कोऑर्डिनेट में। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो देखिए हम लोग पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, थ्री था फोर था और फाइव था, ठीक है। थ्री फोर फाइव था, हमको सबसे पहले यहाँ पे रो का वैल्यू निकालना होगा। तो रो का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए एक्स के जब क्या है थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर हम लोग करेंगे नाइन हो जाएगा
और वाई की जगह पर आपका फोर है तो फोर का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और दोनों का रूट निकलेगा तो 25 रूट में आएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग पास 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रो निकाला, और इसी तरह से हमको क्या निकालना पड़ेगा आगे हमको, तो चलिए आगे आगे निकालना होगा हमको फाई। तो फाई निकालने के लिए जो हम लोग पास फार्मूला है उस फाई का फार्मूला रखते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हमने क्या बताया कि 10 इनवर्स का हो जाता है वाई अपन का एक्स हो जाता है। ठीक है, तो वाई अपन का एक्स यानी कि 10 इनवर्स तो आपका रहेगा ही रहेगा वाई अपन का एक्स। तो वाई आपके पास क्या था यहाँ पे, वाई आपके पास 4 था यहाँ पे, और एक्स क्या था आपके पास 3 था, यानी कि 4/3 का जो 10 इनवर्स 4/3 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स 4/4 आपके पास 4/3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा 53.13 डिग्री आ जाएगा। ये हमेशा डिग्री में ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, क्या आपका 53 भी लिख सकते हैं, तो आप लोगों का काम चलेगा अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपका आंसर हो गया। और जेड निकालना होता है हम लोग को नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग को जब जेड निकालना होता है तो जेड आपको पता है कि जेड जेड में ही रहता था, तो जेड जेड इजकल टू जेड ही होता है, तो जेड इजकल टू आपके पास क्या था यहाँ पे 5 था, तो 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या सिलिंडिकल फॉर्म में दिखाना होगा तो सिलिंडिकल फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे इसको, चलिए ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए ग्राफ द्वारा आपको जो समझना होगा आपके पास एक सिलेंडर होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास एक सिलेंडर होगा कुछ इस शेप में। ठीक है, कुछ इस शेप में आपके पास सिलेंडर होगा, तो ये जो यहाँ से जो रेडियस होगा वो आपको यहाँ से रेडियस होगा वो आपको रो को दिखा रहा होगा, और एक फाइव भी दिखा रहा होगा, और एक जेड दिखा, तो जेड तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिखा रहा होगा, यानी कि जेड इजकल टू हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पे, अभी जेड इजकल टू हम लोग पास जो दिया हुआ था वही फाइव निकाला हम लोग, और फाइव इजकल टू जो हम लोग निकाला 53 निकाला था डिग्री, और जो रो निकाला था हम लोगों ने क्या निकाला था, ये निकाला था हम लोगों ने 5 निकाला था। ठीक है, तो ये 5 हो गया, यानी कि ये वाला दूरी 5 दिखा रहा होगा, और ये वाला दूरी जो दिखा रहा होगा 5 दिखा रहा होगा ये भी, और ये जो एंगल जो दिखा रहा होगा यहाँ पे जो एंगल बना होगा यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये हो गया, तो ये जेड एक्सिस जो एंगल बना होगा मैं इसको थोड़ा सा इधर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का जो पॉइंट यहाँ पे होता है यहाँ पे, तो जो जेड एक्सिस से जो एंगल बना होगा वो दिखा रहा होगा आपका 53 मान लेते हैं इक्वल। तो कुछ इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन था। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो मेरे चैनल पर आप हमेशा के लिए बने रहिए।